अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो और आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे इस रेड बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद उसके बगल में इस घंटे को दबा के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपका पैनल में जो सप्लाई वोल्टेज होता है अगर नहीं मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा और कहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा और कौन सी कंपोनेंट चेक करना पड़ेगा, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। तो गाइज, पैनल 3 वोल्टेज की होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। तो पहला नंबर है गाइस, 1 नंबर पे ही पैनल होता है 3.3 वोल्ट का, और दूसरा नंबर पे होता है 5 वोल्ट का, एंड तीसरा होता है 12 वोल्ट का। तो गाइस, ये 3 वोल्टेज का पैनल होता है तो बेसिकली, और इसके अलावा पैनल नहीं होता है। तो अगर आपको पैनल के अंदर ये पावर सप्लाई नहीं पहुंच रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए गाइस अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है जो पीसीबी बनाती है तो उसके हिसाब से अलग अलग चीज़ें लगा रहता है। किसी किसी में गाइस इस तरह की 3 टांगों वाला डायोड लगा रहता है, किसी किसी में इस तरह से डुअल मॉस्फेट लगा रहता है, इस तरह से किसी किसी में डुअल मॉस्फेट लगा रहता है, और किसी किसी में गाइस कि इस तरह की मॉस्फेट लगा रहता है, इस तरह की मॉस्फेट लगा रहता है। तो उसके हिसाब से आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका जो पीसीबी है उसके ऊपर क्या लगा रहे हैं, मतलब क्या लगा हुआ है। तो इसको आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको मल्टीमीटर यूज़ करना आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आपको उसे ढूंढना है, कैसे आपको फाइंड करना है बेसिकली कि हमें वोल्टेज जो मिल रहा है वो क्यों नहीं मिल रहा है। ये जो मॉस्फेट मैंने अभी दिखाया, मॉस्फेट और डायोड, ये ख़राब होने से भी आपका जो पैनल के अंदर जो पावर सप्लाई है वो नहीं पहुंचता है, जिसके वजह से हमारा टीवी ऑन तो रहता है लेकिन पैनल में पिक्चर नहीं होता है, नो पिक्चर की प्रॉब्लम होता है और व्हाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आता है इसी की वजह से। यानी कि बैकलाइट गाइस जलता है, बैकलाइट सही से चलता है लेकिन हमारा वो जो ग्राफिक्स नहीं बन रहा है, जिसके वजह से हमारा टीवी में व्हाइट डिस्प्ले की प्रॉब्लम आते हैं। तो चलिए गाइस, ये जो हमारे पास एक 32 यानी कि एक बोर्ड है, तो इस बोर्ड के अंदर ही मैं आपको ट्रैकिंग करके बताऊंगा कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है और कहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो गाइस, ये जो पैनल है यहाँ पे गाइस, आप 12 वोल्ट का भी पैनल लगा सकते हो और 5 वोल्ट का भी पैनल लगा सकते हो। कैसे आप वो लगाओगे तो देख सकते हो, यहाँ पे जम्पर लगा हुआ है और जम्पर के अंदर ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो, और थोड़ा सा फोकस सही कर लेता हूँ, सही नहीं हो रहा है, थोड़ा सा दूर से मैं दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये जो बीच वाला है और राइट साइड का, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है, जिसे हमें इस तरह से लगाएंगे तो आप देख सकते हो कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये और ये दोनों जुड़ जाएंगे, जिसके वजह से हमारा जो पैनल है 5 वोल्ट के हो जाएंगे। और अगर हम इसको घुमा के इस साइड लगा देंगे इस तरह से तो ये 12 वोल्ट के पैनल में यूज़ होगा। तो ये जो हमारा पैनल है इस टीवी के अंदर, इसके अंदर गाइस 5 वोल्ट की पैनल है, तो हमें यहाँ पे 5 वोल्ट आते हैं। तो वो कैसे कैसे आते हैं मैं आपको मतलब ट्रैक करना पड़ेगा किस तरह से आते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए आपको एक मल्टीमीटर की ज़रूरत होगी और इस मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज पे रखूँगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी रेंज पे, ये गाइस आ गया कंटिन्यूटी रेंज पे। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा तो ध्यान से देखिएगा गाइस, तो ये देख सकते हो ये बीप आवाज साउंड आ रही है। तो इसके हिसाब से ये जो LVDS केबल है, इसी बोर्ड का है, इसी टीवी का है, तो इसके ज़रिए आप देख सकते हो ये गाइस जो पहला 3 वायर है, ये लाल वाला जो वायर है आप देखा देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3, वो तीनों गाइस पावर सप्लाई के लिए है और वोल्टेज के लिए है, और बाकी ये ग्राउंड ब्लैक वाला हो गया ग्राउंड के लिए, और बाकी जो व्हाइट और ब्लू है ये हो गया सिग्नल्स के लिए, RGB सिग्नल्स के लिए, और ये वोल्ट पावर सप्लाई के लिए। तो पावर सप्लाई के लिए गाइस पहला जो 3 है तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो वो कैसे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पहला वाला आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉब को
उस पहला पॉइंट पे रखना पड़ेगा। और जो दूसरी प्रॉब है, दूसरी प्रॉब को आपको इस तरह से उससे पहले आपको देख लेना है कि ये जो LVDS केबल है इसके आसपास कोई मॉस्फेट है कि नहीं, मॉस्फेट ट्रांजिस्टर और डायोड लगा हुआ है कि नहीं। तो मुझे ये तो गैस हो गया बायोस आईसी जिसमें हम फ्लैशिंग करते हैं, और यहाँ पे तो आसपास हमें कोई मॉस्फेट 8 पिन का मॉस्फेट नहीं मिल दिख रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे एक देख सकते हो छोटा सा टाइनी यहाँ पे 3 पिन वाला हमें एक कॉम्बो मैंने सेमडे क्या होता है गैस, इसका नंबर मुझे नहीं दिख रहा है, वो इस ये लोग देखे पड़े देखना पड़ेगा इसको मैग्नीफायर लेके। लेकिन यहाँ पे एक 3 टांगों वाला डायोड भी हो सकता है, ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और मॉस्फेट भी हो सकता है ये जो छोटा सा। तो आई थिंक गाइस ये इसका जो पावर सप्लाई इसी से ही आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पैनल का वोल्टेज सेट करते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट। उसके बाद ये जो कैपेसिटर है ये छोटा वाला, बड़ा वाला तो नहीं है गाइस, छोटा वाला से होके हमारा ये जो छोटा सा मॉस्फेट है इसके ज़रिए हमें पैनल पे वोल्टेज आते हैं। तो चलिए इसको कन्फर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे एक बार पकड़ना है और उसका जो आउटपुट बीच वाला जो ऑप्शन है गाइस इसको आउटपुट पे आपको पकड़ना पड़ेगा और बीप साउंड दे रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको टच कर रहा हूँ, तो गाइस देख सकते हो कि हमें यहाँ पे बीप साउंड आ रहा है। या इसका मतलब हुआ गाइस यहाँ पे जो पावर सप्लाई का चीज़ें इसके साथ ही कनेक्टेड हुआ है, और ये अगर ख़राब हो जाए ये छोटा सा ये अगर ख़राब हो जाए तो हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा, और जिसके कारण हमारा पैनल ऑन नहीं होगा, और पैनल ऑन नहीं होगा यानी कि हमें व्हाइट डिस्प्ले आएगा। तो इस तरह से आप गाइस, क्योंकि गाइस ये जो क्वेश्चन है मुझे इंस्टाग्राम पे 2-3 दिन पहले ही एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो इसलिए मैं आज इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस मान लीजिए कि ये आपका जो छोटा सा ट्रांजिस्टर है या मॉस्फेट जो भी हो इसको अब क्या है ये ठीक है, फिर भी हमारे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो 3 नंबर पिन है यानी कि यहाँ पे जो 3 नंबर पिन आपको दिख रहा होगा वहाँ से आपको इसका जो कैपेसिटर का जो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव जो ये है आपको यहाँ पे वोल्टेजेस चेक करना पड़ेगा कि 5 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। तो नहीं आ रहा है तो गाइस आपको ये जो कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा, और कैपेसिटर चेंज करने से और ये दोनों चेंज करने से आपका जो ये जो प्रॉब्लम है कि वोल्टेज नहीं आ रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए एक बार आपको हॉट टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ लाइव वोल्टेजेस मेजर करके, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए और भी आप बहुत ही आसानी से कोई भी टीवी रिपेयर कर पाओ। तो गाइस मैंने इसको मैंने पावर सप्लाई दे दिया हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो कि, और उसके बाद हम क्या करेंगे इसका जो हम स्टैंड बाई रिलीज कर देंगे यहाँ से इसको दबा के, और उसके बाद मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए तो मेरा जो प्रॉब है ये छूट गया है, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ पे टच करूँगा और देखते हैं फिर। तो गाइस चलिए अब हम देख लेते हैं कि वोल्टेज ना आपके, तो उससे पहले ये जो जम्पर है ये मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ और उसके बाद हम इसको मेजर करते हैं। ये मैंने एक प्रॉब को रख दिया ग्राउंड पे और उसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उससे पहले हमें जो जो मल्टीमीटर है इसको आपको 20 वोल्ट की रेंज पे आपको सेट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इसे मल्टीमीटर को, और आप देखिएगा यहाँ पे तो देखते हैं यहाँ पे देख सकते हो कि गाइस यहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिल रहा है, और उसके बाद हमें यहाँ पे भी 5 वोल्ट मिलना चाहिए। तो देखिए तो देख सकते हो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है, और इसका जो इनपुट पे भी हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए यहाँ पे जो कि हमें कैपेसिटर से होके आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे हमें 5 वोल्ट नहीं मिले तो आपको जो कैपेसिटर है कैपेसिटर के भी हमें जो टांग पे हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस आप जब करिएगा ध्यान से करिएगा ताकि आपको शॉक ना लग जाए, और ये जो कैपेसिटर है और यहाँ पे भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। तो आपको फिर से मेजर करके दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ पे 12 वोल्ट हमें मिलना चाहिए। देख सकते हैं हमें 12 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि गाइस ये जो बोर्ड है ये 12 वोल्ट के भी 12 वोल्ट की पैनल पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, 5 वोल्ट के भी पैनल के भी आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी आसानी से। तो ये हो गया गाइस छोटा सा प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं जान जो लोग नहीं जानते होंगे उनको पता चल गया है कि अगर आपको पैनल में वोल्टेज नहीं पहुँच रहा है तो आप
कैसे ट्रैकिंग करके आप इसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। तो फिर भी एक में एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं, 5 वोल्ट कि जिस वोल्ट का आप सेट करके रखो वोल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। अगर आपका 3 वोल्ट का पैनल हुआ है तो आपको यहाँ पे 3 वोल्ट मिलेंगे, आप 5 हुआ तो यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा, 12 वोल्ट हुआ तो आपको 12 वोल्ट मिलेगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो हमारा कंपोनेंट लगा हुआ है वो हमारा डुअल मॉस्फेट है, सिंगल मॉस्फेट है या ट्रांजिस्टर है, वो चेक करना पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो छोटा सा 3 टांगों वाला एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ इसके ये अगर खराब हो गया तो हमारा पैनल पे वोल्टेज नहीं पहुँचेंगे। तो आज का वीडियो गाइस यही था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह से मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और भी नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।